सीएम केजरीवाल ने जेल से दूसरा आदेश जारी कर दिया है। लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या जेल से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव में महीने भर का वक्त बचा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है केजरीवाल की रणनीति। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की होली ईडी की कस्टडी में मनी। आम आदमी पार्टी ने भी होली नहीं मनाई, बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी करते रहे। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इसमें वे कामयाब नहीं हुए। केजरीवाल की पार्टी ताकत दिखाने की जोर आजमाइश तो कर रही है, लेकिन बिना केजरीवाल के ये कितना आगे बढ़ पाएगा, इसको लेकर तमाम सवाल है। केजरीवाल अपनी पार्टी के मुखिया है, संगठन से लेकर पार्टी के लिए संसाधन जुटाने तक सभी कामों में केजरीवाल की मुख्य भूमिका रहती है। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि वो जेल से ही सरकारी कामकाज चला रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें। मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है, मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जेल से गैंग चलते हैं, लेकिन सरकार नहीं। केजरीवाल लगातार अपने फैसलों से बीजेपी को इस दलील को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जिस तरह के जन समर्थन की उम्मीद कर रहे होंगे वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में उसके कार्यकर्ता तो दिख रहे हैं, लेकिन कोई जन आंदोलन जैसा सैलाब नहीं दिखाई दे रहा है। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से केजरीवाल जेल से जनता के लिए चिट्ठी और मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल ने जेल से सिर्फ सरकार चलाने का ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने का प्लान बना लिया है। ऐसे में संभावना है कि अगर केजरीवाल को 28 मार्च को जमानत नहीं मिलती है तो वे चुनाव प्रचार के लिए अपने पत्ते खोलेंगे। क्या केजरीवाल चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे? क्या केजरीवाल की चिट्ठियां लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनीता और पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ लोगों को सुनाएंगे? केजरीवाल अगर ऐसा करते हैं तो गिरफ्तारी के बाद जनता की सहानुभूति जुटाने की कोशिश करेंगे। जेल से उन्होंने एक संदेश दिल्ली वासियों के लिए लिखा था, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर लोगों को सुनाया। इन शक्तियों को हराना है, और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर उसके उम्मीदवार हैं, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात और गोवा में भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जहां इसकी बीजेपी से टक्कर है।
जहां तक दिल्ली की बात है तो उसको विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर 54% वोट मिले थे। दिल्ली में 6-7 वोट कांग्रेस के पास है। अगर जेल से केजरीवाल की चिट्ठी वाला चुनाव प्रसार फॉर्मूला काम करता है तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कामयाबी की उम्मीद कर सकती है। वैसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिल्ली के स्थानीय चुनाव में तो लोग केजरीवाल का साथ देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखाई देता है। हालांकि 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है। केजरीवाल की पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल को भले 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका लंबे समय से अंदेशा था। पिछले साल अक्टूबर में जब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, तब से इसकी आशंका बढ़ गई थी कि शराब घोटाले में एक ना एक दिन केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। आम आदमी पार्टी ने इससे निपटने की तैयारी पहले से कर ली थी। आपने दिल्ली में एक कैंपेन चलाया था जिसमें उन्होंने जनता से पूछा था कि क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। इस कैंपेन में ज्यादातर लोगों ने हाँ जवाब दिया। केजरीवाल इस समय वही कर रहे हैं। केजरीवाल अलग तरह के राजनेता है। भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी के बाद इस देश में कई मुख्यमंत्रियों ने पद छोड़ दिया। ताजा उदाहरण झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का है। इससे पहले लालू यादव, जे जयललिता और बीएस येदुरप्पा ऐसा कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल जेल जाने की आपदा को भी असर में तब्दील करने के खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मगर आप हिंदुस्तान के कानून से बड़े नहीं हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है देश की विपक्षी पार्टियों पर, आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी की विडंबना को देखकर। पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोस रहे थे, शराब घोटाले के तथ्यों को लेकर के, उसके फैक्ट्स को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति में, शराब पॉलिसी बनाने में कोई घोटाला नहीं किया। सभी की निगाहें 28 मार्च को होने वाली केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई को लेकर है। अभी केजरीवाल जिस तरह जेल से सरकार चलाने का खेल दिखा रहे हैं, उस पर कोर्ट में भी जिरह होने वाली है। केजरीवाल के पास फिलहाल दिल्ली सरकार में कोई विभाग नहीं है, लेकिन सरकार का कोई भी फैसला बिना उनकी मर्जी के नहीं होता है। इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।